बच्चे ने जिस बच्चे ने कुरान पढ़ा है ये मेरा नवासा है और इब्न शाह साहब की मस्जिद में इस दफा इसने कुरान पढ़ सुनाया है और ये सारा कुरान इस तरह पढ़ता है तो शाह साहब ने बड़ी दुआ दी इनको और खुशी की बात यह कि मेरा पोता भी हाफिज हो गया माशाल्लाह। तो अल्लाह के फजल करम से बस ये दुआ करें कि ये चलता रहे। शाह साहब ने भी और सूफी साहब ने माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है मेरे बारे में। पहले कहते थे कि दरिया को कूजे में बंद कर दे, आज कहा कि समंदर को बंद कर दे। तो बार थोड़ी सी गुफ्तगू करूँगा, खुतबा नहीं पढ़ूंगा मैं, बगैर खुतबे के बात करता हूँ मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सैयदना इमाम शुहदा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के नाम से ये आज की महफिल, एक हमारे पंजाबी जुबान में जो एक है मेरे सोच विचार वो बहुत जरूरी है, वो हमने छोड़ दिया है। वो कहते हैं कि अकीदा और अमल ये दोनों चीज़ें साथ साथ चलती हैं। इंसान का अकीदा ना हो तो अमल बेकार है और अकीदा क्या है फिर मैं आपको गवेर की बात बताऊंगा। अकीदा ये है कि एक बाबा जी के पास दरवेश बैठा था तो जो फरमाने लगा थोड़ा सा, तो कहा बाबा जी ये सच्ची बात है कि शैतान फरिश्तों में रहता था। बिल्कुल सच्ची बात है। अच्छा बाबा जी ये बताएं कि वो फरिश्तों को नमाज भी पढ़ाता था। उनका हाँ बेटा नमाज भी पढ़ाता था। अच्छा वो फरिश्तों का सुना है मौलिम भी था। कहता हाँ मौलिम भी था। तो बाबा जी फरिश्तों को नहीं पता चला कि ये शैतान है। बाबा जी इतने फरिश्ते थे फरिश्तों को नहीं पता चला कि ये शैतान है। उनका बेटा इबादत का पर्दा इतना बड़ा था कि उसमें वो छुपा हुआ था और जाहिर कब हुआ जब बात अकीदे की आई। जाहिर कब हुआ वो जब अकीदे की बात आई कि अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये मेरा बंदा है, मेरा नबी है, मेरा नायब है, इसको सजदा करो। उसने कहा नबी को सजदा नहीं करूंगा, तुझे करूंगा। ये सारा कुरान करीम के अंदर ये सारी बातें मौजूद है। तो वो अय्याम हो गया, कहा कि जब नबी का नाम आया तो वो अय्याम हो गया। और अकीदा अय्याम कब होता है जब नबी का नाम आता है। जब नबी का नाम आता है मसलन खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह तआला अन्हु सिपा सालार आजम है, हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर के सामने खड़े हैं, मुसैलमा कज़्ज़ाब को सजा देने के लिए सिद्दीक अकबर ने उनकी ड्यूटी लगाई कि खालिद तुम जाओ और मुसैलमा कज़्ज़ाब को जो झूठा नबी बना हुआ है उसका किला का मौका दो। वो हाथ बांध के खड़े हो कहा हजरत पहले आप जहाँ भेजते थे या सरकार जहाँ भेजते थे उसी से काफिर होते थे, तलवार चलाता था गर्दन उड़ा देता था। अब जहाँ आप भेज रहे हैं वो मुर्तद हैं, उनकी दाढ़ियाँ हमारे जैसी, उनकी पगड़ियाँ हमारे जैसे, उनकी जबानों पे कलमा। हजरत ये बड़ा मुश्किल काम है मेरे लिए, मैं कैसे पहचान करूंगा कि अपना कौन है और गैर कौन है।
कैसे पहचान करूंगा। सिद्दीक अकबर ने सर उठाया, कहा सुन आज आपको एक फार्मूला दे देता हूँ, जहां आजमाते जाओगे तुम बचते जाओगे, तुम्हारा काम होता चला जाएगा। बात अगर गलत हो तो मैं जिम्मेदार हूँ, यही इसी शहर में रहता हूँ। सिद्दीक अकबर ने फतवा दिया कि खालिद जब तेरे सामने दाढ़ी वाला, टोपी वाला, अमामे वाला, अबा वाला, कबा वाला आए, उसके सामने तुमने हाथ उठा के कहना या मोहम्मद आओ। क्या कहना तुमने? या मोहम्मद आओ। अगर आगे से वो भी कह देना या मोहम्मद, उसको छोड़ देना, वो तुम्हारा भाई है। और अगर उसके मुंह से या मोहम्मद की आवाज ना आए तो उसके कदम उतार देना। अकीदा हम उसके साथ जरूरी है, अकीदा नहीं तो अमल नहीं। अब देखो मेरी एक आदत यह कि मैं कुरान मजीद भी पढ़ता हूँ। कुरान मजीद के हवाले से अल्लाह के नबी ने दो बातें की हैं, बस ये दो 15 मिनट में इंशाल्लाह खत्म हो जाएंगी। दो बातें की हैं, एक तो सरकार ने फरमाया कि मेरे दो वजीर हैं आसमानों पर, एक का नाम जिब्रील है और एक का नाम मीकाईल है, और दो वजीर मेरे जमीन पर हैं, अबू बकर हैं और उमर हैं, यानी सहाबी रसूल सहाबा, वो भी नबी के वजीर, ये भी नबी के वजीर। ये दो बातें अल्लाह के नबी ने की हैं। अब मैं आपको कुरान मजीद से थोड़ी सी अजमत बताता हूँ दो दो आयतों में, ताकि वो अगला मसला जो मैंने बयान करना है वो आपके सामने गवेर की सूरत में खुल कर आ जाए। अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान मजीद में कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तूर पर बुलाया किताब देने के लिए। ये सारा वाक्या सूरह ताहा के अंदर लिखा हुआ है, अगर किसी को मुसलमान को शौक हो तो सूरह ताहा पढ़ ले सारी, उसमें ये सारा बड़ा लंबा वाक्या है। मैं सिर्फ एक हिस्सा लूंगा थोड़ा सा जो मेरे काम का है, बाकी पढ़ने से ताल्लुक रखता है, आज की मजलिस के हिसाब से वो बता रहा हूँ। मूसा अलैहिस्सलाम तूर पर चले गए, अपने भाई हारून को ड्यूटी दे गए।